अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अनवार। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल सी प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो नंबर्स को स्वैप करेंगे बिना कोई थर्ड वेरिएबल लिए। तो मूव करते हैं हम अपने डेव सी प्लस प्लस की मेन स्क्रीन पर। तो हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स अब डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर के लिए ए वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं, सेकंड नंबर के लिए हम बी वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं। प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर सेमी कॉलन से इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। इनपुट के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं। परसेंट डी, क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं वो इंटीजर टाइप डाटा डिक्लेयर करवाया है, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इंटीजर टाइप ही यूज़ करना है। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर ए, फिर हम सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर देंगे। इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। मज़ीद हमें थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। इंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के लिए हमने बी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, तो यहाँ पे हम बी वेरिएबल राइट करेंगे। तो स्वैप करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी लॉजिक है। ए असाइन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, देन बी वेरिएबल में हमने दोनों वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन रिजल्ट रख देना। देन हमने ए में दोनों वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन रिजल्ट रख देना है। अब ये जो वेरिएबल हमने ए यूज़ किया है, ये इस वेरिएबल का जो रिज़ल्ट होगा वो इस वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, और ये जो बी है इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा जो बी में स्टोर हुआ है वो हम बी इधर राइट कर देंगे। तो अब हमने रिज़ल्ट शो करवाना है, तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं हम। आफ्टर स्वैपिंग द रिजल्ट ऑफ ए और बी को स्वैप किया है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी परसेंट डी यूज़ करेंगे। ए के रिज़ल्ट के लिए हमने परसेंट डी यूज़ कर दिया और बी के रिज़ल्ट के लिए हमने परसेंट डी यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे ए एंड बी राइट करेंगे। और ये स्टोर कहाँ पे हुआ है, ए और बी में, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ए एंड बी। सेमी कॉलम से टर्मिनेट करेंगे। रिटर्न ज़ीरो, फाइल को हम सेव करते हैं। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के नाम से हम फाइल का नेम रख देते हैं, और यहाँ पे डॉट सी एक्सटेंशन हमें सेलेक्ट करनी है और सेव करते हैं। F9 की मदद से हम कंपाइल करते हैं, तो हमारे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा, और F10 की मदद से हम रन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट नंबर है 9 और सेकंड नंबर है हमारे पास 3, तो आफ्टर स्वैपिंग जो रिज़ल्ट है हमारे पास और 9 आ रहा है। हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे
रिज़ल्ट को थोड़ा सा मैनेज करना होगा और मज़ीद अच्छे तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये जो ए एंड बी यहाँ पे हमने राइट किया है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा, आफ्टर स्वैपिंग द रिज़ल्ट ऑफ ए एंड बी, और देन हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। जो हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, अब रन करते हैं। अब हम नंबर इनपुट लेते हैं 9, सेकंड नंबर है हमारे पास 3। तो देखें हमारे पास आफ्टर स्वैपिंग ए और बी का रिज़ल्ट 3 और 9 आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।